चेकआउट कर रहे हैं। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट खाने जा रहे हैं। आज तो आराम से ही उठना था, फिर कल से तो हम लोग को बहुत जल्दी उठना है। नाउ ऑल द लगेज इज रेडी हियर एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ड्राइवर टू हेल्प अस लोड द लगेज इन द ट्रैवलर। Then in some time we leave for Gupt Kashi, which is around I think 4-5 hours drive, 6 hours maybe. Hopefully we reach on time without any jams. तो फ़ायदा क्या है कि थोड़ा आराम करने मिलेगा, because कल आज रात मतलब कल सुबह 1-2 बजे टाइप हम लोग को निकलना पड़ेगा फॉर सीतापुर। सो सीतापुर से फिर हम लोग को टैक्सी लेनी है, वो जो शेयर टैक्सी आती है। गुप्त काशी से सीतापुर हमको ये ड्राइवर छोड़ेगा, फिर ड्राइवर 2 दिन वहाँ ही रहेगा सीतापुर में पार्किंग में, हमारी सब बैग्स उसमें रहेगी। और उसके बाद वील रीच सीतापुर और वहाँ से फिर हम लोग को टैक्सी लेके वहाँ जाना है अपना केदारनाथ के स्टार्टिंग पॉइंट पर, वहाँ से हम लोग को ट्रैकिंग चालू करना है। तो अभी सब लोग बैठे हुए हैं, लगेज एक बार लोड हो जाए फिर निकलते हैं। हाँ, हम लोग जा रहे हैं गुप्त काशी, वो एरिया में एक्सपेक्टेड है रेन्स एनी टाइम। तो इस टाइम ड्राइवर ने ऑलरेडी वो शीट, ब्लू शीट जो तालपत्री बोलते हैं, वो लगा के बैग्स डाल रहा है ताकि यू नो दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गार्ड्स एवरीवेयर व्हेन वी आर गोइंग टूवर्ड्स गुप्त काशी। इनफैक्ट पूरा रोड अभी तक जितने हम लोग आए हैं सब घाट्स ही घाट्स है, बट वेरी प्लेजेंट। अलग अलग दिखता है, सामने क्लाउडी दिख रहा है, हम लोग यहाँ पे है थोड़ा धूप है और प्लेजेंट एकदम ठंडा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वो तीनों धक्का लगा रहे, अच्छा और एक है धक्का लगा रहे बस को, अभी पीछे जाएंगे पीछे से। We have come to this restaurant for a lunch break. It's 1:30 and we are having a lunch break. So here we have to go down for our lunch. Very, very.
Now we have halted for registration check. We just have to show our registration papers so that they ensure that unregistered people do not go, to Kedarnath, which is a good thing. So now we have come to an hotel. King Hills ka hi hotel hai. और इधर अभी 10-15 मिनट में हमारा रूम रेडी हो जाएगा, तो तब तक हम लोग इधर बैठे हैं और बाद में कल सुबह या तो रात को उठना है और तैयार होके केदारनाथ के लिए जाना है। क्या कर रहे हो तुम सागर? लाइट या नेवर माइंड, इधर रास्ता है पर हम भी कुछ कर नहीं सकता है। सो दिस प्लेस इज अ बिट अहेड ऑफ गुप्तकाशी। सो दिस इज आवर रूम, दिस इज अ वॉशरूम, दिस इज अ बेड, दिस इज मी एंड आई एम सुपर टायर्ड, आई एम नॉट वेल। एंड हियर यू सी देयर इज वन मोर डोर, हियर इज रिवर मंदाकिनी, and this is the most prettiest garden I've ever seen in my entire life. से बारिश हो गई, अचानक से जैसे वो फोग आ गया, अचानक से जैसे स्नो फॉल हो गई, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे, किसी भी और अचानक से धूप निकल गई वहाँ पे, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, जैसे बारिश हो गई, बारिश का क्या सोल्यूशन है, सारे के सारे रेनकोट परचेज कर लेना, क्योंकि बारिश में अगर भीगोगे तो तबीयत वगैरह खराब होगी। तो नीचे तो जैसे तबीयत वगैरह तो अच्छी, फैसिलिटीज वगैरह अच्छी है, लेकिन ऊपर थोड़ी है, तो जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रख सकते हो वो आपको प्रिकॉशन रखना है। आप ऊपर की तरफ जाओगे तो